गुड इवनिंग। तो ज्वाइन एक ही जना हुआ है क्या अभी तक? कोई नहीं हुआ ज्वाइन? यार अब क्या कर सकते हैं। आज देखो लास्ट क्लास है तुम्हारी, तो मैं सोची तुम्हें इम्पोर्टेंट कुछ और भी बता देती, कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ना था थोड़ा बहुत तो बट चलो अब कोई ना, अपन पढ़ते हैं। देखो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो एक्स्ट्रा थे ना, देखो मेनली अपना जो है कोर्स तो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, और एक्स्ट्रा जो टॉपिक है उसकी बात अपने आज यहाँ पे करेंगे। तो देखो सबसे पहले अपने पास आता है फ्यूमोरल ट्रायंगल। क्या होता है फ्यूमोरल ट्रायंगल? तो देखो मैंने तुम्हें बीच में भी बताया हुआ है वैसे तो देखो ना अपन इसमें फ्यूमोरल ट्रायंगल का क्वेश्चन आ गया मान लो 2 नंबर के अंदर, ठीक है, तो कहाँ पे लिखेंगे अपन? 2 नंबर में छोटा सा अगर आ गया तो क्या लिखेंगे? उसकी बाउंड्रीज और कंटेंट्स, बस इतना ही। और अगर 5 नंबर में आ गया तो पूरा आपको ये डायग्राम भी बनाना पड़ेगा इसके बारे में और कुछ भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो जैसे एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई में प्रेजेंट होता है, थाई के एंटीरियर में, ठीक है। इसकी बाउंड्रीज की अपन बात करें तो इसकी बाउंड्री देखो ऊपर जो है ना एक क्या होगा, ट्राइंगल है ना, तो ट्राइंगल कैसा होगा? ट्राइंगल शेप में ही होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एक बेस होगा, ठीक है, और बेस का फॉर्मेशन कौन करेगा यहाँ पे? इंग्वाइनल लिगामेंट। इंग्वाइनल लिगामेंट कहाँ से कहाँ तक होता है सुमन, याद है क्या? देखो इंग्वाइनल लिगामेंट है ना कहाँ से कहाँ तक होता है? एंटीरियर सुपीरियर इलेक स्पाइन से लेकर के प्यूबिक ट्यूबरकल तक, ठीक है। यहां से इन दोनों को मिलाने वाले लिगामेंट को बोलते हैं अपन इंग्वाइनल लिगामेंट। तो वो इसके बेस का काम कर रहा है। फिर इसकी जो लेटरल बाउंड्री है वो किससे बनेगी? देखो सार्टोरियस, सार्टोरियस मसल कहाँ की होती है? एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई, है ना, ठीक है। तो एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई की मसल है सार्टोरियस, वो क्या करेगी? लेटरल बॉर्डर का फॉर्मेशन करेगी। फिर अगर मीडियल बॉर्डर की अपन बात करें तो यहाँ पे क्या आता है? एडक्टर लोंगस मसल है वो आती है। तो ठीक है, इस तरीके से इंग्वाइनल लिगामेंट, एडक्टर लोंगस और ये सार्टोरियस मसल मिलकर के क्या बना देगी? ट्राइंगल, जिसको अपन क्या बोलेंगे? देखो फ्यूमोरल ट्राइंगल, ठीक है। अब देखो इसका जो है फ्लोर का फॉर्मेशन यहाँ पे कौन करती है? ये तो बाउंड्री की बात होगी अपनी, फ्लोर का फॉर्मेशन कौन करेगी? देखो इलियाकस, ठीक है, और अपनी सुवास मेजर मसल आएगी, ठीक है, और पेक्टिनियस और एडक्टर लोंगस। अब देखो एडक्टर लोंगस दो काम करती है, एक तो फ्लोर भी बनाएगी और एक बाउंड्री भी। बाउंड्री कौन सी? मीडियल बॉर्डर वाली, ठीक है। तो इसमें डायग्राम में देखो फ्लोर का फॉर्मेशन कौन कौन सी मसल कर रही है बताओ मुझे, फ्लोर कौन कौन बना रही है? अभी अभी पढ़ी है ना अपने सुमन, इलियाकस, स्वास मेजर और पेक्टिनियस और एडक्टर लोंगस, ठीक है। ये 4 मसल मिलकर के क्या बनाती है अपने फ्लोर का, ठीक है। ये बात होगी। फिर बाउंड्री की अपन बात करें तो 3 आ गई अपनी बता दी, इंग्वाइनल लिगामेंट, सार्टोरियस और एडक्टर लोंगस। अब देखो अपन कंटेंट की बात कर लेते हैं जो कि क्या होंगे, देखो इसमें मत पढ़ना ही थोड़ा सा गलत लिखा, आगे देखते हैं अपन। देखो इसमें कंटेंट बस इतनी बतानी है ना, 5 नंबर का अगर बड़ा आए तो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे। देखो ये मोर देन बहुत अच्छा, एक तरीके से मेरे खुद के नोट्स हैं, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से लिखे हुए मेरे इसमें। तो ये जो है ना ये 2 नंबर में नहीं लिखना, इतना सारा बहुत बड़ा अगर आए 10 नंबर में या फिर 5 नंबर में तो उसमें ही लिखना है, बाकी 2 नंबर में तो ओनली आपको लोकेशन और उसकी बाउंड्री ही बतानी है। फिर कंटेंट की देखो अपन बात करते हैं, मीडियल टू लेटरल क्या आएगा? VAN से याद करना, VAN मतलब वेन आर्टरी और नर्व, ठीक है, वेन आर्टरी नर्व। तो यहाँ पे देखो अपन 3 इसको जो है वेन आर्टरी नर्व जो आती है, देखो इसमें फ्यूमोरल ट्रायंगल में ही फ्यूमोरल वेन की ब्रांच मतलब फ्यूमोरल वेन की वेन जो आएगी ना यहाँ पे, तो वो क्या आएगी? फ्यूमोरल वेन की ब्रांच निकलेगी, कौन सी? ग्रेट सेथेनस वेन, ठीक है। अब देखो लिम्फ नोड की अपन बात करते हैं यहाँ पे, तो लिम्फ नोड इसको नाम दिया है देखो ना, क्लोपिएट एंड रोजेन मूलर, रोजेन मूलर इसको मतलब है ना एक लिम्फ नोड को नाम स्पेशली देते हैं क्योंकि साइंटिफिक इन्होंने सबसे पहले देखा था, रोजेन मूलर और फेलकेट, तो इसके नाम पे ही है, ठीक है। और ये क्या होगा? मोस्ट मीडियली, सबसे मीडियल में, मतलब देखो ना ये VAN बताया ना, जैसे सबसे पहले क्या आता है यहाँ पे? लिम्फ नोड आता है, लिम्फ नोड, ठीक है, उसके बाद वेन आती है, फिर आर्टरी और नर्व आती है, इस तरीके से कंटेंट बताते हैं। फिर देखो लिम्फ नोड में जो अपन क्या करते हैं यहाँ पे बात बता दी कि 2 होंगे साइंटिस्ट, फिर
थ्री कंपार्टमेंट ऑफ फिमोरल शीथ। देखो क्या होता है, फिमोरल शीथ बनती है। फिमोरल शीथ क्या होती है, देखो आर्टरी, वेन और जो भी अपन ने ये कंटेंट बताए ना, इन सबको एक साथ बांधे रखने के लिए एक टेप की तरह काम करती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, फिमोरल शीथ बोलते हैं। देखो जैसे अपन टेप नहीं लगाते किसी भी चीज के, बंडल बना दिया उसके बाद टेप लगा दी, तो वो किसको एकदम जो है एक जगह पे रखती है, हिलाती नहीं इधर उधर, ठीक है। इस तरीके से ये भी है एक टेप से बंधी रहती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, फिमोरल शीथ। उसमें देखो फिमोरल शीथ में क्या होता है, लेटरल कंपार्टमेंट, इंटरमीडिएट और मीडियल, तीन कंपार्टमेंट यहाँ पे होते हैं, ठीक है। तीन कंपार्टमेंट देखो, सबसे पहले लेटरल में कौन आएगी, आर्टरी, ठीक है। फिर इंटरमीडिएट में कौन आएगी, वेन, और मीडियल में कौन आएगी, लिम्फ नोड, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे कंपार्टमेंट हो गए। देखो कुछ नहीं है, डायरेक्टली अपन को क्या याद करना है, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, लिम्फ नोड आएगी, ठीक है। फिर क्या आएगी, वेन आएगी, फिर आर्टरी और फिर नर्व, बस ये याद रखना तुमको, ठीक है। ये हो गए इसके कंटेंट। फिर देखो फिमोरल शीथ के अंदर, ये थोड़ा एक्स्ट्रा मैं और पढ़ा देती हूँ, बाकी इतना सफिशियंट, मोर देन सफिशियंट है, फिर भी देखो तुम थोड़ा इसमें और पढ़ लो। फिमोरल शीथ में मीडियल कंपार्टमेंट को फिमोरल कैनाल भी बोलते हैं। फिमोरल कैनाल किसको बोलते हैं, मीडियल कंपार्टमेंट, और मीडियल कंपार्टमेंट में क्या है, लिम्फ नोड है, ठीक है। उस कंपार्टमेंट को इन्होंने क्या बोला है, फिमोरल कैनाल, ठीक है। अब देखो जैसे ये डायग्राम में इधर दिखा रखा है ना, फिमोरल शीथ में क्या क्या है, फिमोरल वेन है, फिमोरल रिंग के अंदर फिमोरल ये लिम्फ नोड आ जाएंगी, ठीक है, आर्टरी आ जाएगी। इस तरीके से पूरी जो है एक बाहर की टैप बना दी और क्या बन गई, फिमोरल शीथ बन गई, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सुमन, है ना। फिर देखो ये जैसे कंपार्टमेंट में अपन ने बता दिया, अपन सबसे पहले जैसे इधर से लिम्फ नोड, ये मीडियल साइड है और ये लेटरल है, तो लिम्फ नोड, वेन, आर्टरी और इधर क्या होगी, इसमें नर्व आएगी, ठीक है, ये डायग्राम के थ्रू बता दिया। फिर पॉइंट देखो इसमें, देख लो फिमोरल केनाल में क्या क्या पॉइंट होते हैं। केनाल का मतलब क्या होता है, गुहा टाइप, ठीक है, उसको अपन डाइसेक्ट करके देख रहे हैं, तो ये सब चीजें अपन को मिलेंगी, है ना, ठीक है। फिर देखो इसमें जो है 3 से 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 2 लेयर्स होती है फेशिया की, कौन कौन सी, एक तो फेशिया ट्रांसवर्स वेलिस और एक फेशिया इलिया का, ठीक है। एसिमेट्रिकल मतलब सेम नहीं होती, जैसे कि ये वेन आर्टरी थोड़ी थोड़ी बड़ी छोटी होंगी, तो एसिमेट्रिकल होती है, पूरी जो है ये तीनों कंपार्टमेंट सेम नहीं होते, ठीक है। इसमें लेटरल वॉल, मीडियल वॉल, ये छोड़ो तुम, हो गए यहाँ तक, ठीक है। फिर देखो एक्सटेंशन ऑफ इलियर, हाँ एक ही पॉइंट अलग से देख लेना, अलग ही लेकर का, इससे रिलेटेड नहीं है, इसमें अलग देखना तुम, क्या आता है कि एक्सटेंशन ऑफ इनवाइनल लिगामेंट, क्या बोलते हैं उसको, लेकुनर लिगामेंट, ठीक है। और ये क्या बनाता है, देखो मीडियल बाउंड्री ऑफ फिमोरल रिंग, फिमोरल रिंग मतलब देखो ये है जो फिमोरल कैनाल है ना, उसका बेस और अपर एंड को ही क्या बोला, फिमोरल रिंग। देखो क्या है, कैनाल एक बाल्टी मानो तुम, बाल्टी का ऊपर ही ऊपर का जो अपन किनारा बोलते हैं ना, ऊपर जैसे ये बाल्टी है, ठीक है, उसका ऊपर का किनारा क्या बोल देते हैं अपन, फिमोरल रिंग बोल दिया यहाँ पे, रिंग मतलब रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसको बोला फिमोरल रिंग। और फिमोरल रिंग के मीडियल बाउंड्री कौन बनाता है, लेकुनर लिगामेंट, जो कि क्या है, एक्सटेंशन ऑफ इनवाइनल लिगामेंट, ठीक है। इस तरीके से आपके फिमोरल ट्रायंगल वाला कंप्लीट हो गया, कोई डाउट है इसमें, क्लियर है एकदम, समझ में आया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट अपन देखते हैं इसमें एनाटोमिकल स्नफ बॉक्स, ये मैंने आपको पहले भी भेजा था, बट फिर भी देखो इसमें इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है नॉर्मली, तो क्या बताना है, देखो एनाटोमिकल स्नफ बॉक्स मैंने आपको क्या बताया था, थोड़ा कुछ याद हो, याद है क्या सुमन, कुछ भी, अच्छा आर्टरी कौन सी आती है यहाँ पे, रेडियल आर्टरी, ठीक है, चलो कोई ना, अपन देखो पढ़ते हैं इसकी बाउंड्री की बात करते हैं, तो 3 टेंडन से बनती है, कौन कौन से, एक्सटेंसर पोलिसिस लोंगस, एक्सटेंसर पोलिसिस ब्रेविस और एबडक्टर पोलिसिस लोंगस, इस तरीके से टोटल 3 यहाँ पे टेंडन आते हैं मसल के, वो क्या बनाते हैं, एनाटोमिकल स्नफ बॉक्स, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अपने लेटरल, सबसे लेटरल में कौन आता है, एबडक्टर पोलिसिस लोंगस, ठीक है, ये मोस्ट लेटरली होगा। फिर इस तरीके से जो है यहाँ पे 2 लोंगस के बीच में एक ब्रेविस, ऐसे याद रखना, 2 लोंगस 1 ब्रेविस बिटवीन 2 लोंगस, मतलब एक ब्रेविस है ना देखो एक्सटेंसर पोलिसिस ब्रेविस, और किसके बीच में, 2 लोंगस, कौन से, एक्सटेंसर पोलिसिस लोंगस और एबडक्टर पोलिसिस लोंगस, ठीक है। तो यहाँ पे जो है तो 3 मसल जो है बाउंड्री, बस इतना तुम मसल का नाम याद रखना, देखो इसमें पॉइंट भी लिखे हुए, सभी में पोलिसिस आएगा, है ना, एक बात तो ये याद रखना, क्योंकि ये क्या है,
पॉलिसिस का मतलब क्या होता है? अंगूठा, और ये अपने अंगूठे के ही तो पास में है ना स्नफ बॉक्स, इसलिए सब में पॉलिसिस आएगा। फिर ब्रेविस बिटवीन टू लॉन्गस, फिर सारे दो तो क्या होंगे देखो इसमें एक्सटेंसर होंगे, एक्सटेंसर का मतलब एक्सटेंसर करवाएंगे। देखो अंगूठे को ना ये क्या करवाएंगे, यहाँ पे जो है एक्सटेंशन करवाने का काम करेंगे। देखो एनाटोमिकल स्नफ बॉक्स कहाँ होता है, बैक साइड में ही तो होता है अपने अंगूठे के बैक साइड में, ठीक है, और बैक साइड में इसीलिए क्या होंगे एक्सटेंसर ही होंगे, फ्लेक्सर हो नहीं सकते क्योंकि बैक में क्या होता है एक्सटेंसर। और एक क्या होगा एबडक्टर, एडक्टर नहीं हो सकता क्योंकि अपन को अंगूठे को जो है इधर जब अपन करेंगे मतलब देखो ना जब एबडक्ट करेंगे तभी ये दिखेगा, एडक्ट करेंगे तब नहीं दिखेगा, ठीक है। और स्नफ बॉक्स क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे जो है देखो क्या करते हैं कोई लोग स्नफ मतलब जैसे ड्रग होती है ना वो यहाँ पे रख करके सूंघते हैं, या फिर कुछ ऐसा मादक पदार्थ जो होता है नशा उत्पन्न करता है, ठीक है, तो वो यहाँ पे रख करके सूंघते हैं, इसलिए इसको क्या बोला है एनाटोमिकल स्नफ बॉक्स, ठीक है। फिर इसका देखो फ्लोर का फॉर्मेशन कौन करता है, ये तो बात होगी बाउंड्री की, मतलब बाउंड्री बना ली ना, फिर फ्लोर का फॉर्मेशन कौन करता है स्केफोइड और ट्रेपेजियम, दो कार्पल मसल आ जाती है, ठीक सॉरी बोन आ जाती है स्केफोइड और ट्रेपेजियम। फिर रूफ का फॉर्मेशन कौन करेगा, यहाँ पे देखो स्किन और सुपरफिशियल फेशिया, दो चीजें आती है स्किन आती है और सुपरफिशियल फेशिया, और यहाँ पे देखो सुपरफिशियल फेशिया में अपने सेफेलिक वेन आएगी, ठीक है, और रेडियल नर्व की ब्रांच आएगी, है ना। फिर देखो कंटेंट में क्या आएगी रेडियल आर्टरी, अब देखो रेडियल आर्टरी क्यों आई, क्योंकि देखो अपन रेडियल आर्टरी पल्स कहाँ से लेते हैं, कलाई में अपनी जो क्या बोलते हैं इसको कलाई रिस्ट है, रिस्ट जॉइंट पे यहाँ पे तो लेते हैं ना अपन रेडियल आर्टरी की पल्स, नॉर्मली पल्स क्यों लेते हैं पता है कुछ, क्योंकि सबसे सुपरफिशियल यही होती है ये रेडियल आर्टरी, इसीलिए इसकी पल्स जो है वो एकदम एग्जैक्ट अपन को फील होती है यहाँ पे, इसलिए, ठीक है, यहाँ पे रेडियल आर्टरी की। फिर ये कहाँ चली जाती है स्नफ बॉक्स में चली जाती है, यहाँ से मतलब ये सुपरफिशियल होकर के, पहले तो यहाँ अपन जैसे रीडिंग ले रहे हैं, ठीक है, रिस्ट के अंदर, फिर ये स्नफ बॉक्स में चली जाती है पीछे डोर्सल साइड में, ठीक है। फिर क्लिनिकल के देखो क्या होता है, स्केफोइड का फ्रैक्चर हो सकता है नॉर्मल, स्केफोइड क्या थी फ्लोर का फॉर्मेशन कर रही थी, फिर सेफेलिक वेन है उसमें क्या कर सकते हैं अपन इंट्रावेनस इंजेक्शन, देखो यहाँ पे सेफेलिक वेन जो आती है उसमें इंजेक्शन जो है अपन दे सकते हैं इंट्रावेनस, और अगर पल्स, हाँ देखो पल्स आ गई ना बात की रेडियल आर्टरी से अपन पल्स लेते हैं यहाँ से, ठीक है। और एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस का टेंडन उसके चारों ओर सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व लिपटी रहती है, मतलब ये जो अपन ने बताया ना एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस इसके चारों ओर क्या होता है रेडियल नर्व की ब्रांच आई थी ना अपनी सुपरफिशियल, देखो यहाँ पे जो सुपरफिशियल फेशिया यहाँ पे बताई थी ना अपन ने रेडियल नर्व की ब्रांच, ठीक है, तो वो क्या करती है इस मसल के चारों ओर लिपटी हुई रहती है, ठीक है। इस तरीके से आपका जो ये है एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स कंप्लीट हो गया, कोई डाउट है इसमें, अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है, ओके। फिर देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्रेन, क्या बोलते हैं इसको सरकम ऑफ विल्लस, ठीक है, सरकम ऑफ विल्लस, देखो हाँ सरकम तरीके से सर्कल बनाती है, यहाँ पे देखो दो मेनली सप्लाई होती है, कौन कौन सी, एक तो वर्टिब्रल आर्टरी और एक इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, तो मैंने आपको वैसे तो पढ़ा दिया था बट सुपरफिशियली फिर भी देखो इसको अलग से लिखा हुआ है इसमें थोड़ा सा। मेजरली सप्लाई किसको करेगी, सेरेब्रम को करेगी, क्योंकि मोस्टली पार्ट कौन बनाता है ब्रेन का, सेरेब्रम, ठीक है। फिर आर्टरी इंटरकनेक्ट होकर सिक्स साइडेड पॉलीगोनल आर्टरी, मतलब ऐसे सिक्स जो अपन बनाते थे ना पॉलीगोनल, ऐसे हेक्सागोनल जिसको बोलते हैं वो बना लेती है, ठीक है। यहाँ पे जो है देखो सबसे पहले ऑटोस्पाइनल आर्टरी आती है, पोस्टीरियर स्पाइनल, फिर वर्टिब्रल आर्टरी, बेसिलर आर्टरी, इस तरीके से देखो इस डायग्राम में तुम देखोगे ना तो तुम्हें अलग अलग ब्रांचेस मिलेंगी, इतना ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, और लेकिन फिर भी अगर तुम्हें लगे कि ज्यादा पढ़ना चाहिए तो तुम इससे पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ऊपर जाके इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आ जाती है मेनली, बाकी देखो क्या है दो इसमें है वर्टिब्रल और इंटरनल कैरोटिड, बाकी देखो ना मेनली जो आपको ना पहले जो नोट्स बताए थे, ठीक है, वो ही इम्पोर्टेंट है, उनमें से ही पढ़ लें, इसमें थोड़ा ज्यादा लिखा हुआ है, ठीक है। फिर देखो वर्टिब्रल सिस्टम में देखो क्या था, वर्टिब्रल सिस्टम एक होता है उसमें वर्टिब्रल आर्टरी आती है और बेसिलर आर्टरी आती है, ये देखना तुम लोग बेसिलर आर्टरी की, जैसे वर्टिब्रल आर्टरी में चार अपन इसकी बनाते हैं, मतलब क्रेनियल पार्ट की जो है वो ब्रांचेज आती है एंटीरियर स्पाइनल पोस्टीरियर स्पाइनल, जो पढ़ी है ना अपन स्पाइनल कोड को सप्लाई करने वाली वो इसी की ब्रांचेज है, ठीक।
पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेब्रल सेरेबेलर सेरेबेलर है, सेरेब्रल नहीं है। देखो यहाँ पे ये मेनिंजल आर्टरी और मेडुलर आर्टरी, ये इसके एक बार ब्रांचेस देख लेना। बेसिलर आर्टरी की ब्रांचेस कोई नहीं पूछता, इसको छोड़ो तुम। फिर देखो कैरोटिड सिस्टम में क्या आती है, इंटरनल कैरोटिड जैसे आर्टरी, उसके चार पार्ट करते हैं अपन, ठीक है। और चार पार्ट में फोर्थ पार्ट की जो है पांच ब्रांचेस है, ओप्थेलेमिक है, ओमापा से याद करते हैं अपन, ओ मा पा, ठीक है। ओप्थेलेमिक, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग, ठीक है, एंटीरियर कोरोइडल, एंटीरियर सेरेब्रल और मिडल सेरेब्रल, इस तरीके से यहाँ पे जो है इंटरनल कैरोटिड की फोर्थ पार्ट की ब्रांचेज आती है। फिर मतलब देखो ना, इसको अपन ने डिवाइड किया है अलग अलग पार्ट के अंदर, है ना, इंटरनल कैरोटिड को। और बाकी तुम अगर तुम तो जनरली उसमें से ही पढ़ लेना, जो बुक में दिया हुआ ना शोराम सर वाली बुक में अपनी, ठीक है, उसमें से पढ़ लेना इसको, ठीक है। इसमें ज्यादा तुम दिमाग मत लगाना अपना। फिर तुम्हें और क्या बताना है इसमें, तो सेरेब्रम को सप्लाई देखो एक बार इसमें, मेनली कौन कौन से, एंटीरियर मिडल और पोस्टीरियर, ये देख लेना। ईच सेरेब्रल आर्टरी का फिक्स पैटर्न होता है कि तीन टाइप की ब्रांचेज आती है उसमें, देखो कोर्टिकल, सेंट्रल और कोरोइडल। फिर ये आउटर कोर्टेक्स को सप्लाई करेगी कोर्टिकल, ठीक है, कोर्टिकल नाम से पता चल रहा है कोर्टेक्स को, सेंट्रल है वो सेंट्रल पार्ट को करेगी, ठीक है। फिर कोरोइडल है उसमें एंटीरियर और पोस्टीरियर दो पार्ट आते हैं। फिर फॉर्म ए नेटवर्क ऑफ कैपिलरी विच प्रोजेक्ट इनटू द वेंट्रिकल्स, मतलब ये जो है एक सेरेब्रम को सप्लाई करती है ना, ये आर्टरी क्या बनाती है, एक नेटवर्क जो कि वेंट्रिकल्स को जाती है, ठीक है, पायामेटर को क्रॉस करके और कोरोइड प्लेक्सस जो अपन ने पढ़ा है ना वहां पे जाती है, ठीक है। और सेरेब्रल हेमिस्फेयर की यहाँ पे सप्लाई बताई है, देखो कौन कौन सी, एंटीरियर मिडल और पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, फिर एंटीरियर मिडल, हाँ मीडियल सरफेस को अलग करती हैं। बस इतना ज्यादा तुम याद मत रखना, नॉर्मली याद कर लेना सेरेब्रम को कौन कौन सी सप्लाई करती है, एंटीरियर मिडल और पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, क्लियर है, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट आता है अपना सीएसएफ वाला, कि सीएसएफ में कोरोइड प्लेक्सस ये अपना बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, फिर भी देखो मैं रीडिंग कर मार देती हूँ इसमें। सीएसएफ इज प्रोड्यूस्ड बाय स्पेसिफिक टिश्यू लोकेटेड इन द वॉल्स ऑफ लेटरल वेंट्रिकल एंड इन द रूफ ऑफ थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल। देखो सीएसएफ वाला इसमें बहुत अच्छे से लिख रखा है, मैंने तुम्हें बोला था ना, और बाकी मैंने एक तुम्हें ग्रुप में शेयर भी किया है, वो वीडियो देखा था क्या तुमने मॉडल वाला, उसके थ्रू बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रखा है, सीरियसली मैंने खुद देखा था बहुत अच्छे से। और इस थ्योरी जो है ना वो तुम इससे से प्रिपेयर करना, उस नोट्स की बजाय इससे प्रिपेयर करना, ठीक है, कोरोइड प्लेक्सस से। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि एक स्पेसिफिक टिश्यू हो गया जो कि किसमें है, लेटरल वेंट्रिकल और रूफ में, रूफ ऑफ द थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है। फिर शोज न्यूमरस विलाई विलाई होंगे, क्या करेंगे, सीक्रेट करेंगे सीएसएफ का, ठीक है। मॉडिफाइड क्या होते हैं, देखो विलाई मॉडिफाइड अपेंडाइमल सेल्स होती है ना, अपेंडाइमल जो है ना वो सेल्स होती हैं। और सीएसएफ क्या होता है, देखो क्लियर होता है, स्वच्छ होता है और कलरलेस होता है, प्लाज्मा लाइक फ्लूइड है, दैट बाथेज द सीएनएस, मतलब सीएनएस उसके अंदर डूबा हुआ रहता है सीएसएफ के अंदर, ठीक है। इट सर्कुलेट थ्रू ए सिस्टम ऑफ कैविटीज फाउंड विद इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, मतलब एक कैविटी के थ्रू जो है ये पास होता रहता है, सर्कुलेट होता रहता है ब्रेन और स्पाइनल कोड में, वेंट्रिकल्स जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है। सब स्पेस ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड एंड सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कोड, मतलब देखो यहाँ पे कैविटी बता दी इन्होंने कौन कौन सी है, कि जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में मिलती है, फिर वेंट्रिकल के थ्रू, सब एरेक्नोइड स्पेस के थ्रू और सेंट्रल कैनाल के थ्रू, इनके थ्रू जो है ये घूमता रहेगा, ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। फिर ये सब देखो 150 से 270 ml होता है सीएनएस के अंदर ऑल टाइम, मैंने आपको बताया था ना 150 से 250, वो एक ही बात है, 150 से 270 एक ही बात है, ठीक है। इक्वल टू रिमूवल, मतलब जितना हटता जाएगा उतना ही आता जाएगा नया। फंक्शन क्या होगा, देखो मेक क्वेश्चन फॉर ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, ये क्या करेगा, अपने ब्रेन और स्पाइनल कोड के लिए तकिए का काम करेगा एक तरीके से, उसको बाह्य आघातों से बचाएगा, ठीक है, इंजरी से बचाएगा, इम्यूनोलॉजिकल प्रोटेक्शन देगा, इम्यूनोलॉजिकल का काम करता है, रिमूवल मेटाबॉलिक वेस्ट वेस्ट को हटाने का काम करेगा, और ट्रांसपोर्ट न्यूरो मॉड्यूलेटर और न्यूरो ट्रांसमीटर, न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं ना अपने डोपामिन है वो सब, है ना, उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करेगा, सीएसएफ। यहाँ पे देखो फंक्शन भी आ गए इसके, और सैंपल टैंकी फ्रॉम द सब एरेक्नोइड स्पेस, सैंपल लेते हैं ना लंबर पंक्चर, मैंने आपको बताया था वही है कि सैंपल यहाँ से लेते हैं लंबर पंक्चर से, ठीक
ठीक है, और सब अरेक्नोइड स्पेस से भी, मतलब सब अरेक्नोइड स्पेस किसका, लंबर पंक्चर का, वहां से सर्कुलेशन देखो इसमें, सीक्रेशन रूट पर मिनट कितना होता है, 0.2 to 0.7 ml पर मिनट, ये जो है सीक्रेट होता रहता है। पर डे कितना होता है, 600 से 700 ml, 4 times per day रिमूव्ड एंटायर वॉल्यूम, मतलब 4 time है ना पूरे दिन के अंदर ये रिमूव होता जाता है और नया आता जाता है, ठीक है। वहां से फिर देखो ये जो है ना अपना वो पूरा पढ़ा था अपन ने, वही है वो, उसको चार्ट के थ्रू बता दिया था, तो वो चार्ट की बजाय देखो आपने मॉडल वाला जो मैंने ग्रुप में वीडियो सेंड किया है वो देखना, ठीक है। और बाकी नोट्स पूरे इसे इससे बहुत अच्छे से क्लियर होगा तुम्हारा, एकदम एक एक चीजें लिखी हुई है। फिर तो यहाँ तक अपना हो गया, फिर देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं एडक्टर हंटर या फिर एडक्टर कैनाल, हंटर कैनाल या फिर सब सार्टोरियल कैनाल। अच्छा उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना CSF वाले में सुमन? हाँ अब देखो एडक्टर कैनाल की अपन बात करते हैं, कहाँ पे होती है, मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ द थाई, थाई के मीडियल कंपार्टमेंट में प्रेजेंट होती है। और क्या होती है देखो यहाँ पे ट्राइंगुलर शेप में, यहाँ पे जो है ऊपर पहले जैसे ये ट्राइंगल है, यहाँ पे बेस है, फिर एपेक्स है, ठीक है। और यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, फिमोरल ट्राइंगल, जो अपन ने अभी भी पढ़ा है ना फिमोरल ट्राइंगल, वही चाहे, ठीक है। इसके नीचे देखो क्या आती है, एडक्टर कैनाल आती है इसके नीचे की तरफ। ये तो कहाँ था, एंटीरियर कंपार्टमेंट में, ये कहाँ है, मीडियल कंपार्टमेंट में, ध्यान रखना, ठीक है। फिर देखो इसके नीचे आता है एडक्टर हायटस, और एडक्टर हायटस एडक्टर मैग्नस मसल में होता है, ठीक है। फिर आता है अपना नीचे पोपलीटल फोसा, इसका मतलब यहाँ पे चार लगातार अलग अलग स्ट्रक्चर आ गई, फिमोरल ट्राइंगल, एडक्टर कैनाल और एडक्टर हायटस और पोपलीटल फोसा, ठीक है। अब देखो इसमें पॉइंट की अपन बात करते हैं, तो इंटरमस्कुलर टनल होती है, एक टनल मतलब सुरंग होती है, इंटरमस्कुलर मतलब मसल्स के बीच में, ठीक है। और एपेक्स क्या होगा देखो, ये तो एपेक्स तो इसमें समझ में आ जाएगा तुम्हें, ट्राइंगुलर एपेक्स टू एडक्टर हायटस, मतलब यहाँ पे जो है देखो एपेक्स है ना ये ट्राइंगुलर होता है, एडक्टर कैनाल में एडक्टर हायटस में ये खुलता है। फिर बाउंड्रीज, अब जब अपन काटेंगे तो अपन को ट्राइंगुलर दिखेगा ये, ठीक है। और बाउंड्रीज की अपन बात करते, देखो इसमें मेन तो बाउंड्री है ये याद करनी है तुम्हें, एंटीरियर लेटरली क्या होता है, वास्टस मेडियलिस मसल, ठीक है। पोस्टीरियरली क्या होगा, एडक्टर लॉन्गस और एडक्टर मैग्नस। फिर मीडियली क्या होगा, यहाँ पे सार्टोरियस मसल। इस तरीके से यहाँ पे टोटल चार मसल आती है, कौन कौन सी, वास्टस लेटर, वास्टस मीडियलिस, एडक्टर लॉन्गस, एडक्टर मैग्नस और सार्टोरियस, ठीक है। तो ये याद रखना कि ऊपर क्या होता है, देखो फिमोरल ट्राइंगल, फिर एडक्टर कैनाल, फिर एडक्टर हायटस और पोपलीटल फोसा, और इसकी बाउंड्री, बस समझ में आ गया। फिर इसके देखो कंटेंट भी तुम्हें याद करने है, क्या क्या होते हैं, एंटीरियर ओपोस्टीरियर डिवीजन ऑफ ऑब्टुरेटर नर्व, फिमोरल आर्टरी, फिमोरल वेन, सेफेनस नर्व, डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी, नर्व टू वास्टस मीडियलिस, ठीक है। देखो ना मेनली तो अपन को पोपलीटल फोसा और उनके ज्यादा याद करने हैं, बट इसके भी तुम एक बार देख लेना कंटेंट, क्या पता इसको एग्जाम में पूछ ले। देखो वैसे तो अपने क्वेश्चन आया नहीं है, बट फिर भी आ जाए तो तुम्हें याद होने चाहिए, ठीक है। इसमें क्लिनिकल में देखो क्या बता रखा है, एडक्टर कैनाल का कंप्रेशन होगा तो क्या हो जाएगा, उसमें हाइपरट्रॉफी होगी, किसमें, मसल में, वास्टस मीडियलिस जो मसल है ना, एडजेसेंट मसल है, उसमें क्या हो जाएगा हाइपरट्रॉफी, का मतलब क्या होता है पता है, साइज का इंक्रीज हो जाना है ना, जब कंप्रेशन होगा दबाव, हाइपरट्रॉफी नहीं बोलते, नंबर इंक्रीज होता था तो वो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग बोलते हैं, जैसे कि देखो अलग अलग नाम देते हैं, जैसे अपने आरबीसी के अंदर अलग नाम देते हैं, डब्ल्यूबीसी में अलग, तो वो अलग अलग होता है, ठीक है। बाकी इसको जो हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है साइज इंक्रीज हो जाना, ओके। हाइपरप्लेसिया बोलते हैं, हाँ अभी एक्चुअली मेरे को याद आ गया, नंबर जो बढ़ता है ना उसको बोलते हैं हाइपरप्लेसिया, और हाइपरट्रॉफी मतलब साइज इंक्रीज होना, है ना, ठीक है। फिर देखो सेकंड इसमें क्या बता रखा, क्लिनिकल टू डू नी जॉइंट सर्जरी, अगर नी जॉइंट की सर्जरी कर रहे हैं तो क्या होगा, एडक्टर कैनाल के थ्रू सेफेनस नर्व और नर्व टू वास्टस मीडियलिस को ब्लॉक। अब देखो अपन जब नी जॉइंट की सर्जरी कर रहे हैं, घुटने में कोई प्रॉब्लम हो गई या फिर रिप इसका रीप्लांट कर रहे हैं, ठीक है,
उसको दोबारा से लगा रहे तो क्या करना पड़ेगा, एनेस्थीसिया, वरना तो पेशेंट को दर्द होएगा। तो एनेस्थीसिया करने के लिए यहाँ पे जो है डॉक्टर कैनाल के थ्रू अपन क्या करते हैं, सेफेनस नर्व की ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉक करने की वजह क्या होगा, यहाँ पे पेन का सेंसेशन जो है नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि नर्व क्या करती है अपना सेंसेस लेके जाती है ना सीएनएस तक, तभी तो अपन को फील होता है कि पेन हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसीलिए। ठीक है, क्लियर है। फिर देखो नेक्स्ट अपना है एडक्टर हाइएटस, किसको बोलते हैं, टेंडिनियस ओपनिंग इन द एडक्टर मैग्नस, बस सिंपल सा है। एडक्टर हाइएटस जो है क्या है, टेंडिनियस ओपनिंग है, टेंडन की ओपनिंग है एडक्टर मैग्नस मसल में, है ना, अपन ने बताई थी ना उसमें डायग्राम में, देखो यहाँ पे इस वाले डायग्राम में, तो वही है। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट है क्लिनिकल की बात करें तो इसमें लिख रखा है मैंने खुद की लैंग्वेज में, जिम में उल्टी सुलटी एक्सरसाइज कर ली तो क्या होगा, मसल स्ट्रेच हो जाएगी और एडक्टर कैनाल में थोड़ा लफड़ा हो सकता है। एडक्टर कैनाल में लफड़ा कैसे, वो ट्विस्ट हो सकती है, मुड़ सकती है। ठीक है, उसकी वजह से वहाँ पे जो है नर्व का कंप्रेशन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अपन ने कंटेंट में नर्व आर्टरीज वगैरह वो पढ़ी है तो उसमें। ठीक है, फिर कैडेवर में देखो सेकंड इंपॉर्टेंट है, कैडेवर में संरक्षण पदार्थ डालने के लिए यानी प्रिजर्वेटिव डालने के लिए फ्यूमोरल आर्टरी यूज करते हैं अपन, फ्यूमोरल आर्टरी फ्यूमोरल ट्राइंगल से डालेंगे अपन। ठीक है, ये याद कर लेना। और बाकी देखो मेनली अभी जो कर रहे हैं ना अपन फिलहाल, मतलब एट प्रेजेंट, वो अपन इससे फ्यूमोरल आर्टरी से नहीं दे करके मोर कन्वीनियंट इसमें देते हैं अपन, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो है ना इसमें देते हैं, बाकी दोनों से दे सकते हैं बट मोस्टली यूज में अभी फिलहाल जो है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी ही आती है। तुमने देखा होगा ना कैडेवर में जब वो अभिरंजन के लिए देते हैं ताकि आर्टरी अपन को कैडेवर के अंदर दिख सके, वरना तो एक हो जाती है क्योंकि मरने के बाद में क्या होता है आर्टरीज का कलर पता नहीं चलता ना, इसीलिए। ठीक है, अच्छा ओके, फिर देखो नेक्स्ट अपन पोपलीटल फोसा की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो पोपलीटल फोसा में जो है डायग्राम बनाया हुआ है, ये डायग्राम तुम्हें भी पढ़ना है। ठीक है, ये बनाना है तुम्हें, कौन कौन सी मसल आएगी, सेमी टेम्बेनियस, सेमी मेम्ब्रेनियस, अपनी सुपीरियर बाउंड्री जो है ये फॉर्मेशन करेगी, फिर बाइसेप्स मेमोरी आएगी जो कि सुपीरियर लेटरल बाउंड्री बनाएगी, फिर कौन सी आती है, एक सार्टोरियस ग्रेसिलिस मसल आती है, दो इधर आएंगी और दो एक इधर आएगी, दो ऊपर आएंगी। ठीक है, और एक देखो साइड में अपनी वास्टस लेटरलिस मसल भी आती है, ये वाली वास्टस लेटरलिस। ठीक है, और नीचे की साइड कौन कौन सी आएगी, देखो प्लांटेरिस और लेटरल और मीडियल हेड ऑफ द गैस्ट्रोकनेमियस, ये इंफीरियर बाउंड्री बनाएगी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे टोटल जो मसल है ना वो तुम याद कर लेना कितनी है, देखो ये 2 3 4 ठीक है 5 6 7 8 आठ मसल हैं टोटल यहाँ पे, 8 9, तो वो तुम याद कर लेना। ठीक है, यहाँ पे जो है फिमोरल ट्राइंगल का फॉर्मेशन करती है। फिर देखो इसके बाद कंटेंट की अपन बात करते हैं तो क्या आएगी, कॉमन पेरोनियल नर्व आएगी, टीबियल नर्व है, पोपलीटल आर्टरी की 5 ब्रांचेज होती हैं, पोपलीटल वेन आती है, स्मॉल सेफेनस वेन आती है, लिम्फ नोड आती है। देखो कोई भी कंटेंट आए ना तो याद रखना वेन आर्टरी नर्व और लिम्फ नोड, चार चीजें आएंगी कंटेंट में, और क्या हो सकता है यार, तुम खुद सोचो। मैंने यही तो होती है अपनी पूरी बॉडी में, सारी जगह लिम्फ नोड होती है, नर्व होती है, आर्टरी होती है, वेन्स होती है, बस वही सब। और देखो पोपलीटल फोसा, इसलिए पोपलीटल नाम पे पोपलीटल आर्टरी और पोपलीटल वेन आ गई, बस। ठीक है, तरीके से आ जाएंगे, इसके कंटेंट याद कर लेना और बाउंड्री। फिर देखो नेक्स्ट है अपने क्लिनिकल की, इसमें बात कर लेते हैं, ये तुम छोड़ो इसमें तुम्हें कुछ नहीं लेना। इसमें क्लिनिकल देखो क्या आता है, पोपलीटल एन्यूरिज्म, क्या बोलते हैं कि पोपलीटल आर्टरी में स्वेलिंग हो गई, उसको क्या बोलेंगे, एन्यूरिज्म। ठीक है, पोपलीटल एन्यूरिज्म, फिर क्योंकि इसकी वॉल क्या होती है, वीक होती है, इसलिए ये इसमें स्वेलिंग आ गई। फिर देखो और पोस्टीरियर साइड में होगी, पीछे की साइड में, और पोपलीटल आर्टरी जो है वो देखो यहाँ पे, अच्छा पोपलीटल फोसा होता किधर की साइड है ये बताना मुझे, पोपलीटल फोसा किधर होगा, सुमन पीछे की साइड होगा ना, पोस्टीरियरली अपने घुटने के पीछे की साइड में, आगे तो हो नहीं सकता, फोसा है तो पीछे ही होगा ना, देखो अपन जब घुटने को मोड़ते हैं तब वहां पे वही चाहिए पोपलीटल फोसा, क्लियर है ना ये तो बात। ठीक है, फिर देखो इसके क्लिनिकल सेकंड की बात कर लेते हैं अपन, पोपलीटल आर्टरी जो है उसमें क्या होगा,
एनरेपमेंट सिंड्रोम आता है, एक रेयरली होता है ये, जिसमें क्या होता है ब्लड फ्लो कम हो जाता है, ठीक है, प्लेयर के अंदर होता है, जब फास्ट भागता है ना कोई प्लेयर तो उसके अंदर इसमें ब्लड फ्लो कम हो जाता है, उसको अपन एनरेपमेंट और सिंड्रोम बोल देते हैं। फिर आता है देखो पोस्टीरियर नी डिसलोकेशन हो गया, नी का डिसलोकेशन हो गया, तो उसमें नी बेंट होएगा, तो देखो इसमें क्या होता है कार एक्सीडेंट, ये बात मैंने पहले भी बताई तुम्हें, नी जॉइंट के अंदर अगर कार एक्सीडेंट हो रहा है तो वहाँ पे डेस्क बोर्ड पर जाकर के लगेगा तो क्रूसेट लिगामेंट उसमें इंजर्ड हो रहे थे, याद आ गया ना, वो क्रूसेट वही वाली है यहाँ पे, और फिमोरल आर्टरी भी इंजर्ड हो जाएगी, इसलिए ब्लड फ्लो कम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो एंटीरियर क्रूसेट लिगामेंट और पोस्टीरियर, कहाँ पे आए थे ये लिगामेंट बताओ मुझे, क्रूसेट लिगामेंट कहाँ आए थे, एंकल में नहीं, नी जॉइंट में आए थे ना, फोसा कहाँ पे, नी जॉइंट के ही तो है पीछे के साइड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसमें एंटीरियर क्रूसेट लिगामेंट में इंजरी हो गई, तो इंजरी कब होगी प्लेयर्स के अंदर थाई और थाई एंड लेग में होती है, मतलब जैसे प्लेयर्स होते हैं ना तो वो भागते हैं उसके थाई और लेग में वो ट्विस्ट हो जाता है ये लिगामेंट, इसकी वजह से इंजरी हो सकती है। और पोस्टीरियर में कब होगी कार एक्सीडेंट के अंदर इसमें इंजरी हो जाएगी, इस तरीके से यहाँ पे इसके क्लिनिकल हो गए, ठीक है। तो ये अपने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, ये अपन ने कंप्लीट कर लिए, कोई डाउट है तो बताओ। हाँ फीटल ब्लड सर्कुलेशन वाला, ठीक है चलो वो निकालो तुम जल्दी से, निकाल ली। हाँ तो देखो इसमें जो है सबसे पहले अपन बताते हैं, देखो ना मेरे पास इसकी पीडीएफ नहीं है एक्चुअली, वरना मैं पीडीएफ से पढ़ा दी तुम्हें। देखो सबसे पहले क्या होता है यहाँ पे अपने पास जैसे प्लासेंटा है, प्लासेंटा से जो है अपना इम्प्योर ब्लड, ठीक है, वो कहाँ पे जाएगा, सबसे पहले अम्बिलिकल वेन के अंदर जाएगा, अम्बिलिकल वेन से जो है डक्टस वेनोसस में जाएगा, ठीक है। और डक्टस वेनोसस से देखो क्या होता है ये लीवर में भी जाता है कुछ पार्ट, और डक्टस वेनोसस से इन्फीरियर वेना केवा में भी जाता है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। फिर लीवर से देखो इन्फीरियर वेना केवा में जाएगा, यहाँ पे जो है लीवर से वो डायरेक्ट, देखो एक तो सीधे गया अम्बिलिकल वेन से लीवर में, और लीवर से लास्ट में जाना कहाँ पे उसको इन्फीरियर वेना केवा में ही जाना है, ठीक है। फिर देखो इन्फीरियर वेना केवा में राइट इन्फीरियर वेना केवा से वो ब्लड कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम में, क्योंकि मोस्टली इम्प्योर ब्लड कहाँ जाता है राइट एट्रियम में, है ना, प्योर होने के लिए। फिर राइट एट्रियम से जो है देखो मेन जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा, फोरामेन ओवल, फोरामेन ओवल कहाँ होता है राइट एट्रियम में होता है ना, तो वो कहाँ चला जाएगा, फिर फोरामेन ओवल से कहाँ जाएगा लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है, और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल और देन एरोटा, क्योंकि देखो वो प्योर होके आ गया ना वहां पे लेफ्ट एट्रियम में प्योर होके आएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में गया और वहां से वो महाधमनी यानी एरोटा में चला गया। फिर देखो जो ये मोस्टली की बात करी थी राइट एट्रियम से, फिर जो अगर रेस्ट का जो बचा हुआ है ना ब्लड वो कहाँ पे जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा, यहाँ पे देखो गड़बड़ है, अपने मोस्टली पूरा कहाँ जाता है राइट एट्रियम से डायरेक्ट, बट यहाँ पे क्या होगा लोचा होगा, क्या होगा कि रेस्ट ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक में, और पल्मोनरी ट्रंक से वो यहाँ पे भी देखो दो चीजें आती है, ग्रेटर पार्ट कहाँ पे जाता है डक्टस आर्टेरियोसिस में, और स्मॉल पार्ट कहाँ जाता है लंग्स के अंदर, ठीक है, थोड़ा बहुत ही पार्ट लंग्स में जाएगा, ग्रेटर पार्ट जो है डक्टस आर्टेरियोसिस में जाता है, ठीक है। फिर देखो लंग्स से कहाँ जाएगा वो पल्मोनरी वेन्स, और लंग्स से क्या हो रहा है प्योरिफिकेशन हो रहा है, ठीक है, प्योरिफिकेशन होकर के पल्मोनरी वेन के थ्रू वो कहाँ जाएगा अपने लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में क्या आता है प्योर ब्लड आता है ना, इसीलिए, ठीक है। फिर देखो ये बात होगी स्मॉल की, अब ग्रेटर पार्ट की बात करें तो पल्मोनरी ट्रंक से कहाँ गया वो डक्टस आर्टेरियोसिस में, और डक्टस आर्टेरियोसिस के थ्रू कहाँ गया वो एरोटा में, ठीक है, और एरोटा से देखो कहाँ जाएगा वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, ठीक है, और सिस्टेमिक सर्कुलेशन मतलब अपना पूरा जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन होता है ना उसकी बात अपन कर रहे हैं बॉडी की, ठीक है, और एरोटा से मतलब पूरा ब्लड जो है वो पूरी बॉडी के अंदर आ गया, फिर पूरी बॉडी से वो देखो कहाँ पे जाएगा दोबारा जो है इसमें अम्बिलिकल आर्टरीज आती है। अब देखो यहाँ पे एक्सेप्शन है, आर्टरीज क्या करती हैं अपने वैसे प्योर ब्लड को ले जाती है ना, बट यहाँ पे फीटस इम्प्योर ब्लड को कैरी करेंगे, ये ध्यान में रखना तुम,
ठीक है, इस तरीके से देखो दोबारा यही चक्कर चलता रहता है और वापस से वो प्लासेंटा में जाकर के एम्बिलिकल वेन के थ्रू आगे चला जाता है। अब इसमें क्लियर है? देखो फॉर्म एकदम छोटा सा, यही तुम्हें याद करना है पूरा का पूरा, और कोई तुम्हें रामायण नहीं पढ़नी वो पूरी, ये आया तो ये लिख के आना तुम्हें, ठीक है? हाँ पूरा डायग्राम बना के आना तुम्हें, है ना? क्लियर है ना आप इसमें? हाँ प्लासेंटा फॉर्मेशन देखो ना, अभी इसमें अपन अगली क्लास में करेंगे, और अगली क्लास तुम्हारी जो है मैं लेती हूँ 8:30 9 बजे लूंगी, ठीक है? तो बाकी वीडियो तो नहीं, उसमें थोड़े कुछ और टॉपिक भी तुम्हारे रहे हुए हैं, थोड़े और बताऊंगी मैं। देखो तुम्हें एक आधी मसल्स वगैरह के बारे में भी बताना है एक्चुअली, ठीक है? तो वो 8:30 या फिर 9 बजे तुम्हारी क्लास लेते हैं अपन, आज एक क्लास क्लास कर लेंगे जिसमें कुछ टॉपिक थोड़े बहुत और रिमेनिंग है वो सब पढ़ लेंगे अपन, ठीक है?